जनपद में कानून व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस काफी सक्रिय है और चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व शरारत न कर सके। लोकसभा चुनाव व आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत की अगुवाई में पुलिस व अर्धसैनिक बल ने सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य मार्ग, मुख्य बाजार व भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पैदल मार्च किया और आम जन से संवाद भी किया ताकि जनता में सुरक्षा की भावना बनी रहे। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी साथ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। अभी त्योहार का टाइम है और इलेक्शन भी घोषित होने वाले हैं, उसके संबंध में एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज चल रही है। लगातार हर क्षेत्र में पुलिस द्वारा फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, तो पुलिस अलर्ट पे है। हर क्षेत्र में पुलिस राउंड लगा रही है, उसी के उद्देश्य से लगातार आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई है। तो यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियाँ भी आवंटित की गई है, जिसमें सभी चंदौसी और संभल और सभी तहसीलों में राउंड लिया गया है। उसी उपलक्ष्य में आज फ्लैग मार्च किया गया। त्यौहार शुरू हो रहे हैं सर, आसमानी कदमों के लिए क्या संदेश देंगे सर? त्यौहार भी है और इसके साथ साथ चुनावी वर्ष भी है, तो सभी पुलिस, सभी जो असामाजिक तत्व हैं और जो ट्रबल मेकर हैं उनके लगातार नज़र बनाए हुए हैं, सभी पे नज़र रखी जा रही है। कोई भी किसी भी प्रकार से अगर कोई ऐसी यहाँ पे घटना करता है या कोई अफवाह फैलाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानूनी जो भी उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है वो उस पर लगाया जाएगा। तो पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और सब पे डेटाबेस भी तैयार है और सब पे निरोधात्मक कार्रवाई भी हो गई है और एक्टिवली सब पे नज़र भी हो गई है।